हॉस्पिटल के मसाइल इतने हैं कि हम अभी गिन भी नहीं सकते, लेकिन जो अभी जब ये अभी बर्निंग इशू है, बर्निंग इशू में देखिए यहाँ की हालत, सड़कों की हालत, पेशेंट के आने का कोई इंतजाम ही नहीं है, पार्किंग का इंतजाम नहीं है, बर्फ पड़ी हुई है पूरी, देखिए आप पूरी मड़ से भरा हुआ है सारा एरिया, अंदर अंदर यूएजी का इंसाफ नहीं, आपको पता है मैंने कहा रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ, कार्डियो में कोई नहीं है। आज देखिए आप जो आज कश्मीर में हालात है, हार्ट अटैक के ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। और भी प्रॉब्लम है, अंदर बाथरूम यहाँ इन्होंने एक बनाया था टॉयलेट, वो भी बंद पड़ा हुआ है, अंदर के टॉयलेट बंद पड़े हैं, पानी नहीं है अंदर से, गर्म पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। बाकी है ना 75 ईयर ओल्ड इन दिस हॉस्पिटल मदर रात गोमत चेकअप सुबह पे डॉक्टर योड़े गुन और रात आज चिट्ठी वालस कर मे वह मिनट वेट रात चिट्ठी वह मिनट कर डॉक्टर साहबन यह कन्फर्म यह ट्रू किन यह अपुज यह मुतालब ये हॉस्पिटल गोस ये खास कर रोजन ठीक। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि टेक्निकलिटीज में तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन जो पहली चीज है कि ये हॉस्पिटल हमारा है, ठीक है, ये लोग हमारे हैं, यहाँ का स्टाफ भी है वो भी हमारा है, तो सबसे पहले तो हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हर एक को अपना अपना जो है योगदान देना पड़ेगा, हर एक को अपना अपना जो है इसमें एफर्ट्स डालने हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो सबको अपना अपना जो है इसमें कुछ ना कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे या अपना जो है योगदान देना पड़ेगा, तब जाके जो है चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बाकी रही बात, देखिए बहुत सालों से यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बन चुकी है ऑलरेडी, आप देखें कि मैं अभी आया हूँ तो मेरे ख्याल से जो पहली चीज़ मैंने देखी है यहाँ अफरा तफरी का थोड़ा सा माहौल है, एक क्योस है, अंदर बात करने से पता चला कि इन्हें शिफ्ट किया है यहाँ दूसरी जगह पर, तो उसकी वजह से भी जो है इनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जैसे अभी जो बर्फ है, ये मैंने अभी आरएनबी के एक्सन साहब से बात की है और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से ये बर्फ़ जो है हटा दी जाए, ताकि जो यहाँ का एरिया है, जो हॉस्पिटल का एरिया है, ये यहाँ पब्लिक डिमांड भी है और स्टाफ की भी डिमांड है कि ये अगर हट जाए इससे जो पार्किंग का है वो थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा। यहाँ आने के बाद जो पहली चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पार्किंग का बड़ा अफरा तफरी है, पानी भी फैला हुआ है, लोगों को उस चीज़ में भी दिक्कत आ रही है, और जो यहाँ मेन चीज़ है मैंने अहमद साहब से बात की है तो मेंटेनेंस की यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे जो है कमी दिख रही है, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पे जो है मिलजुल के काम करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी तक जो पीछे हुआ है वो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे जाके मैं उसको कुछ चेंज करूँ, अब जो भी चेंज होगा वो आज से होगा। आज मैंने यहाँ सरप्राइज विजिट किया, मैंने किसी को नहीं बोला था यहाँ कि मैं आ रहा हूँ, और आपने देखा होगा कि मैं मास्क पहन के अंदर गया था और एक ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह अंदर गया था, ये देखने के लिए कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या है। देखिए नो डाउट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा यहाँ सारा कुछ गुड़ी गुड़ी है, इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बोला कि मिलजुल के हमें काम करना पड़ेगा, ये किसी एक इंसान की, देखिए मैं यहाँ आया हूँ, हो सकता है मेरे बाद कोई और विजिट करे, हो सकता है कल डीसी साहब आए दो दिन बाद, लेकिन मैं आपको, मेरे ख्याल से शायद डीसी साहब भी यहाँ एक दो दिन पहले आए थे, तो मैं आप लोग को एक चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि हमारे जो विजिट्स होंगे वो लिमिटेड नहीं है कि आज हम आए और बस, अब जिस दिन 5 साल हो जाएंगे उसके बाद आएंगे। मैं यहाँ पे आता रहूँगा, मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता रहूँगा, और ये जो वाले दिनों में हमारा एक इंशाल्लाह एक थोड़ा सा, अभी आपको भी पता है कि अभी भी रोड्स पे बहुत जगह पे बर्फ का जो है इसी तरीके से पड़ी हुई है, बहुत सारी लिंक रोड्स भी अभी बंद हैं, तो आने वाले दिनों में हमने जो प्लान किया है कि हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाएंगे जिसमें जो बाकी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको भी बुलाया जाएगा, जैसे कि आपने म्यूनसिपल की बात की है, वैसे ही हम लोग वो एक जो है हम कॉमन मीटिंग लेंगे, उसमें हम लोग इंशाल्लाह ये जितने भी इश्यूज फेस कर रहे हैं उन इश्यूज पर डिस्कस होगा और उनका जो आगे का प्लान है उसका क्या मतलब वो चॉकआउट होगा। लेकिन साथ में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, देखिए मैं लोगों से बात करूँगा तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे, मैं स्टाफ से बात करूँगा तो स्टाफ अपनी प्रॉब्लम्स बोलेंगे, क्योंकि वो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बोलना शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबको हैं। देखिए जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम यहाँ के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हॉस्पिटल हमारा है, हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे से हाथ मिलाकर अब ज़रूरत है, देखिए जो पीछे हो गया अब हमें यहाँ से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि रातों रात चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत
करनी पड़ेगी। जैसे कि एक कमरे में बैठा हूँ तो दरवाजा मैंने खोल दिया है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दरवाजा खोलने के बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज भी खुलेंगे और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे। मेरा नाम उल्फत, मैं बारामला से। मैंने एक महीने पहले टेक्निसोल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया था फॉर वन ईयर डिप्लोमा कोर्स। यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लैब सबसे बेस्ट है। मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है वो टेक्निसोल ज्वाइन करे। टेक्निसोल इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन बारामूला। टेक्निसोल इज द बेस्ट। कम एंड जॉइन अवर फैमिली एट टेक्निसोल बारामूला।